रुक नहीं रही दार्जिलिंग में हिंसा। 10वें दिन भी जल रहा है दार्जिलिंग। बुरी तरह नाकाम हुई ममता सरकार। किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि खूबसूरत वादियों वाला दार्जिलिंग इस कदर रक्त रंजित खूनी संघर्ष में बदल जाएगा। ममता सरकार के बंगला भाषा अनिवार्य किए जाने के तानाशाही फैसले के बाद शुरू हुए गोरखालैंड के लिए आंदोलन का आज 10वां दिन है। अब तक कई लोगों की मौत और कई लोग घायल हो चुके हैं। कभी पर्यटकों से पूरा भरा रहने वाला दार्जिलिंग में आज एक भी पर्यटक नहीं है। ममता सरकार गोरखाओं की बात सुनने को कतई तैयार नहीं है। कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने साफ कहा कि मैं अपने प्राण दे दूंगी पर बंगाल का बंटवारा नहीं होने दूंगी। गोरखा लीडर विनय तामंग ने कहा कि इस बिगड़ चुके मुद्दे पे अब केंद्र सरकार से ही उम्मीद बची है। ममता के रवैये से केंद्र में मोदी सरकार नाराज है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने से साफ इनकार कर दिया है। ममता से जल्द इस मुद्दे के समाधान निकालने के लिए कहा है। गोरखालैंड की मांग बहुत पुरानी है। गोरखा लोग उन सब क्राइटेरिया को पूरा करते हैं जो संविधान के अनुसार एक अलग राज्य बनाने के लिए मान्य होती है। मोदी सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे को संविधान के हिसाब से हल करें और गोरखा लोगों के लिए उनका एक अलग राज्य संविधानिक तरीके से प्रदान करें। मोदी सरकार को देश हित में इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि पूरा देश गोरखाओं की देशभक्ति और साहस को सलाम करता है।